सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, पाइए मेरी वीडियोस की फ्री अपडेट। हाय, मैं हूं संदीप राव, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ मेंटोर। व्हाट इज लव? प्यार है क्या? प्यार के बारे में जब आप सोचते हैं तो आप अंदर खुशी महसूस करते हैं, हिम्मत मिलती है, मजबूत महसूस करते हैं या पेन फील करते हैं, अपने आप को हारा हुआ मानते हैं, टूटा हुआ मानते हैं? आखिर प्यार है क्या? प्यार एक फीलिंग है या एक पैशन है? प्यार एक अटैचमेंट है या अट्रैक्शन है? प्यार एक एडिक्शन है या जिसे हम केयर कहते हैं उसे हम प्यार कहते हैं? या फिर प्यार के बारे में आप जो सोचते हैं वो प्यार ही है या कुछ और है? आखिर प्यार होता क्या है? आई लव यू बोलने से क्या प्यार होता है? अक्सर मैंने लोगों को बोलते सुना है, आई लव माई नेशन, आई लव माई सोसाइटी, लेकिन घर से बाहर निकलते ही अपने देश को, अपनी सोसाइटी को गंदा करना स्टार्ट कर देते हैं, सफाई नहीं करते, फिर भी बोलते हैं आई लव माई नेशन। टैक्स की चोरी करते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं आई लव माई नेशन। क्या ये प्यार है? हम बोलते हैं आई लव माई पेरेंट्स, मुझे अपने माता पिता से बहुत प्यार है। अगर सचमुच प्यार है तो आज के टाइम में वर्ध आश्रम क्यों बढ़ रहे हैं? आज किसी की लव मैरिज हुई, शादी से पहले बहुत प्यार थे, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी की, लेकिन शादी होने के बाद प्यार का सारा भूत उतर गया, डाइवोर्स करने के लिए खड़े हैं। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहते हैं यस हम मर जाएंगे एक दूसरे के बिना, लेकिन फिर ब्रेकअप्स क्यों होते हैं? क्या ये सच्चा प्यार है? यही ट्रू लव है? प्यार जरूरी नहीं कि हस्बैंड और वाइफ या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बीच में हो। प्यार पेरेंट्स के साथ में, आपके भाई बहन के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपकी सोसाइटी, आपके नेशन से भी होता है। आजकल ट्रू अनकंडीशनल लव की बजाय कंडीशनल लव हो गया है। कंडीशनल लव का मतलब, अगर पापा ने आपके बर्थडे पे कोई अच्छा सा गिफ्ट दिया, इसका मतलब वो दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं, आपके हीरो हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अगर उन्होंने मनचाहा गिफ्ट नहीं दिया तो आप बोलते हैं आई हेट माई डैड। वही मॉम ने आपकी मनचाही डिश बना दी तो आप कहते हैं आई लव माई मॉम। और अगर मॉम आपकी आपकी मनचाही डिश नहीं बनाती है, आपको अच्छा खाने में नहीं मिला, तो आप कहते हैं आई हेट माई मॉम। अगर हस्बैंड वाइफ, आजकल ऐसा हो गया है कि अगर वाइफ के बर्थडे पे हस्बैंड कुछ अच्छा सा गिफ्ट, एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है तो वो बहुत खुश होती है, वो बोलती है कि नहीं मेरे हस्बैंड सबसे अच्छे हैं, आई लव माय हस्बैंड। और अगर वो विश करना भूल जाए तो नफरत करने लग जाती है कि नहीं, नाराज हो जाएगी, चार दिन तो बात ही नहीं करेंगे। वही सेम हस्बैंड के साथ भी ये चीज होती है। अगर आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कुछ अच्छा करती है तो आप कहते हैं कि यस आई लव माय नेशन, मुझे टैक्स में रिबेट मिल गई, मुझे ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अगर वही गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया तो आप कहते हैं नहीं मेरा देश सबसे बेकार है, आई हेट माय नेशन। मन ही मन में बोलते हैं बट दिखावे के लिए आप बोलते हैं आई लव माय नेशन। आखिर व्हाट इज ट्रू लव? एक सच्चा प्यार क्या होता है? व्हाट इज ट्रू लव? सच्चे प्यार में कंडीशन नहीं होती, सच्चा प्यार हमेशा अनकंडीशनल होता है। सच्चे प्यार का मतलब है खुशियां बांटना, किसी के लिए कुछ अच्छा करना। आप जिनसे प्यार करते हैं उनको दुखी देखना तो बहुत दूर की बात है, आप उनकी आंख में एक आंसू भी नहीं देखना चाहते। आप दुनिया के किसी भी कोने में आप रहिए, बिना किसी डोर के प्यार आपको एक दूसरे से जोड़ के रखता है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है जिसे आप देख नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं। सच्चे प्यार में हमेशा रिस्पेक्ट होती है, ईगो नहीं होती। सच्चे प्यार में केयर होती है, प्रोटेक्शन होती है, एक डीप फीलिंग होती है, परमानेंट फीलिंग होती है जो कभी चेंज नहीं होती। जिनसे आपको सच्चा प्यार होता है वो आपके साथ खड़े होते हैं तो आप अपने आप को मजबूत समझते हैं, अपने आप को जीता हुआ समझते हैं। सच्चे प्यार में बुरे से बुरे हालात में आप मुस्कुरा सकते हैं,
एक खुशी मिलती है। एक प्यार एक पॉजिटिव पावर है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। सो गाइस थैंक यू सो मच। आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।